दोस्तों विजय रिया का सपनों का घर देख सकते हैं। विजय जी यहाँ पे हैं। हम लोग क्या डॉक्टर के पास थोड़ा गए। अच्छा, तबीयत सेहत में गड़बड़ी नहीं? नहीं, मेरा गड़बड़ी नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी मिसेज जो है उनका। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 अप्रैल और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल झालदा कुछ काम से। और देख लीजिए मामा इधर ड्राइव कर रहे हैं और इधर देखिए मम्मी और इधर संजू और इधर देखिए जुम्मा चाचा। हाय भाई, कुछ बोलिए आप लोग तो शांत है पूरा। क्या कैसे होगा और कैसा चल रहा है मामू? बढ़िया। आप तो दिखते नहीं ब्लॉग में, कहाँ रहते हैं आजकल? दिखेंगे। हाँ, गाइस आ गए हैं, थोड़ा पेट्रोल टैंक यहाँ पे पेट्रोल रिफ्यूल करवा लेते हैं। सो मामू, कोई नेक्स्ट टूर का प्लान किया जाए? नेक्स्ट टूर का झुम्मा जी जी पूछिए ना, दिल्ली चलेंगे घूमने के लिए। कहाँ के लिए चलना? बहुत पैसा कमा के रखे हैं। सो गाइस अभी ड्राइवर चेंज हो गए हैं, देख लीजिए इधर मामा पीछे चल गए हैं और हम लोग अभी हैं गोला में। बजरंग भाई पूजा करें, सरवन भैया कहा थे कि पापा कह रहे 10 रुपया दे तो रे हमके भाई और काली के कहा दे। हां तो अभी करते थे हम ऐसे ना बोल दिया संजू के एक चाट मार के भी आते पगली है तेरे का चलाएंगे। ठीक है पगली, देखिए गाइस डूमर का पेड़ है, देखिए डूमर का फल। इधर देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, सब्जी बनता है वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी खाएं। हाँ, हम लोग लुबू पहाड़ में कितना एकदम पूरा तो जंगली भरल है। सरगडी और सीधे पड़ेगा बरलंगा, इसके बाद है बॉर्डर झारखंड का। हाँ, बरलंगे का है उन्होंने। बरलंगा का ही है विजय रिया ब्लॉग्स। चलो पता कर देते हैं अभी तुरंत बरलंगा में। कहाँ पे रहता है उन लोग? जगह का नाम बताओ। बरलंगा, 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 विजय रिया ब्लॉग्स। तो वह सब चीज हिट है तो कि चैनल में तो ये सब खाना पीना डाल दे रही, कोई बात लो जी सीन सैलरी डाल जाकर आकर्षित करे वाला चीज लाइक थी। तो ये अब हम जींस लिए डाल दे और तुम लिया तो ककरा बेस लागते है। चाचा सजेशन दे रहे हैं कि ब्लॉग कैसे चलता है। नहीं चलता, सही चलता है कुछ ऐसा चीज जो कि सबको समझ में आ। देखिए यही 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 घर वाले संजू देखो यहाँ पे इधर है सर, यहीं पे गड़े खड़ी थी इधर पास होता है। देखो विजय रिया ब्लॉग्स का देखो ये घर है सर। हाँ हाँ देखो ये वाला यहाँ खड़ा किया था गड़िया विजय रिया ब्लॉग्स का। अरे सुनने जाओ। बंद है अभी? बंद है। अरे देखो यही वाले पहाड़ में दिखता है। देखो यही मशरूम उठाने। हाँ देखिए तो ब्लॉग चलेगा, विजय रिया का चलता है, हम लोग का चलता ही नहीं। धीरे धीरे हम लोग का बढ़ रहा है क्या? समय का इंतजार कीजिए, जो धीरे धीरे बढ़ता है ना हमेशा के लिए बढ़ता है और जो अचानक बढ़ता है तो जल्दी गिर जाता है। इसीलिए वाह मम्मी, इसीलिए धीरे धीरे उठिए। सही बात बोले, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते, सोचते ना मेरा व्यूज 300, 400, 500 इतना ही में अटक जाता है, कोई वीडियो वायरल ही नहीं होता है। हम लोग का 100 को वीडियो डाल चुके हैं अभी तक, उससे भी ज्यादा डाले हैं, बहुत सारे डिलीट भी कर दिए, लेकिन ये हम लोग का 100 वीडियो कंप्लीट हो गया कल ही। गाइस इधर बहुत ही अच्छा रास्ता, रोड भी बहुत ही अच्छा है, क्लीन है पूरा एनवायरनमेंट। गाइस इधर थोड़ा हम लोग ले रहे हैं चिप्स एंड कुरकुरे। मामू अच्छा लग रहा है ना अभी? विजय रिया ब्लॉग से मिलने के लिए एक्साइटेड है? नहीं, मिल के क्या करेंगे, लोग हम लोग से मिलने के लिए आएगा ये इंप्रेशन रखिए। वाह, दूसरे से हम लोग कहीं मिलेंगे? वाह वाह मामू, बताइए विजय रिया से मिलके क्या कीजिएगा? सही बात है, समय का इंतजार कीजिए ना, मिलने के लिए आपके पास खुद सुबह से ऑनलाइन लगा हुआ रहेगा, टेंशन मत लीजिए। जमीनी स्तर से उठता है ना तो लास्ट तक रहता है, अचानक आप उड़ जाइएगा ऊपर तक फिर नीचे गिरिएगा। सही बात है, सही बात है। हम 2006 में काम करने आए थे, अपना लिए लड़की देखने आए थे हमें।
आगे जाके गांव है अंदर में, गांव का नाम है हिल्ला टाइम। लड़के का नाम था सुजाता और अभी भी जानते हैं उसका शादी हो गया है पुरलिये में लड़की का। हम लोग दो बांध थे, संजीता और सुजाता। सारा कुछ याद है लेकिन आपको? पूरा याद है। और इसका मीडिएटर थे हमारे बरलंगा का मुल्ला भैया, उन्हीं के माध्यम से आए थे। कुछ ऐसा बात हुई जिससे अभी तो मेरी माँ नहीं है। लड़की कैसी थी? लड़की बहुत सुंदर थी, पतली दुबली थी, लंबी लड़की थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी, बट मैरिज नहीं हो पाया उसके साथ। हाँ तो आपको पसंद कोई और थी तो किरण चाची आपको पसंद आ गए थे? ऐसा नहीं है, तो दुर्भाग्य से मिल गया। दुर्भाग्य कैसे? सौभाग्य है कैसे? बात करते पाप कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं ऐसा मत बोलिए, आपका सौभाग्य सौभाग्य। गाइस अभी हम लोग हैं वेस्ट बंगाल में और चाचा का पहला जो है क्रश नहीं रहे लड़की यहीं पे देखे थे और लड़की बता रहे कि बहुत ही खूबसूरत थी बट किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो पाया चाचा का। আর রসগুল্লা খাবো, মিষ্টি ভালো 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 বার্গার আর ডাল দেবে তো যে না খেলে পুরো বেশ লাগবে। बर्गर खाएंगे उला देखा देंगे ये सब चीज तो कर रहे एक से ककरो जलन ना है ये सब चीज का ये सब के व्यू जेतो अति जेतो अब होटल फोटल ककरो सहित भाग पड़ का होटल ले जाए खाए ला गाड़ी घोड़ा ले अरे नहीं लागे तो हमरा भाग जे ना कर ले ओकरा खराब लागते अब हमरा का चीज डाल लागते हम नहीं जानना है सब एक आदमी का रोग देखे तब तो हम नहीं ना इसे दूसरों ये सब सीखल करा डालना का चाहे का लाए आप जैसे अब गाड़ी ले ले गाड़ी ले कुछ रहे एक तरह ले ले गाड़ी ले ले तो का मोहन कह दे तू खराब हो कैसा लो जी लो ले बढ़िया भैया ना है लेकिन हम तो ऐसे बोलते चाचा रियल में बता दे जोर लेता है ना उसका खुशी हम खुशी लग में आपका सब ऐसा नहीं होता है तेरा मानसिकता ठीक है तुमको जलन नहीं लगा लेकिन जो आदमी जो इस जैसे हम लोग देखो हमको इसलिए नहीं बोल सकता है कि हम मोबाइल चलाते नहीं वैसा लेकिन जो तू सोच रहा है कि हमको व्यू नहीं जाता जो इससे जुड़ा हुआ आदमी है उसको अच्छा नहीं लगता होगा। इसको हम डेमोरलाइज कैसे करें या इसको हम पीछे कैसे करें है ना। हम लोग का हम लोग को देखना पसंद लगता है हम लोग देख ही रहे हैं लेकिन अधिकांश लोग के बारे सुनते हैं जानते तो बड़का ऐसा हम लोग खा लो उन लोग को जलन होता है ईर्ष्या होता है मन कौन दिखे जैसे हमें পছন্দ আয় কে বলতে উড়ি বাবা ভালো রে मिस्ट्री। देखिए गाइस पुरलिया 45 किलोमीटर, अयोध्या पहाड़ 50, बागमुंडी 37। हाँ तो जान क्या चाचा यहाँ आपका बंगाल? हाँ बंगाल में हाँ। छोटी सी महिला से महिला हाँ। यहाँ बेरोजगार बैठना पसंद नहीं करता। सही बात है, ऐसा ही होना ही चाहिए क्या? रोजगार देखिए झारखंड में सबको बेरोजगार बैठा रहता है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, वो सब चीज नहीं होता है बंगाल में। और एक महिला और यहाँ कोई लाज शर्म नहीं है कभी काम का, उधर तो काम में भी शर्म आता है ना कि हम लेबर ग्रेड का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। देखिए सारा कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा ही साइकिल बाइसाइकिल का यूज होता है, साइकिल का यूज होता है। देखिए गाइस अचूरम मेमोरियल झालदा कॉलेज, बाप जो हम यहाँ ले ले तो एडमिशन करा दिए ना, हम तो पढ़े ना दादी के साथ पढ़े थे, जाना है बस। मामू फर्स्ट टाइम बंगाली ट्राई करते हुए। गाइस हम लोग बंगाल में आ गया, सब कोई बंगाली ट्राई कर रहा है, बंगाली लैंग्वेज बोल रहा है। मामू भी बंगाली नहीं बोलिएगा तो समझता हम लोग थोड़ी है, कोठा बोलिएगा तो थोड़ी समझ में आ रहा है। क्या बादी के दादी के दादी के दादी के बोलता इधर दादी। अच्छा जोलटा दा जोलटा दा जोलटा खावे जोलटा। बंगाली में दादी के मतलब दाया और बादी के मतलब बाया।
के कुछ बंगाली दादी के मतलब दाहिना साइड बादी के मतलब बायां साइड खावे और पीबे कर लागतो के दियो दादी के और बादी के कर समझ में तो है तो सब ठीक रहा हम पाई जाब हां बतियाल हमरा बोल बोल जेता और हम जब जेबे तो कहते ए बाबा देखो समझाई दो एकदम मां का केचर केचर भाल ना लागे हम तोरे डांटबो ये दादी के कि बादी के बोलचे मिसल अस्पताल कोथा छे एटाई बठे ना एटा बठे लकी राखबाय ले तो इन तो ठीक रहबा हम परेशान है जाब काहे कोई बतियाल हमरे ने बोले तो डाको डाको काकू के डाको काको डाको डाको ओ है समझाएगा काको डाको गाइस आ गए हम लोग पुरलिया ये हॉस्पिटल में हेलो देखिए गाइस आ गए हैं द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया पुरलिया लेप्रोसी होम एंड हॉस्पिटल सैटरडे 8 AM to 1 AM ऐसे ही होता है आप आए हैं आप तो डॉक्टर हैं आपको तो नॉलेज हो कोई नहीं है तो यहाँ पेशेंट ही नहीं होगा हमको लगता डॉक्टर ही नहीं पेशेंट ही भूता आ जाएगा नहीं खुला रहता ही हाँ आइए घूम फिर के चले जाइए गाइस आए हैं हॉस्पिटल में बट कोई स्टाफ नहीं दिख रहा हमें तो डायरेक्ट पैसे गए थे वो तो दूर थे के तो उन्हीं जो बोसन कौन डॉक्टर नाम एड्रेस देते पा गए अरे बाड़ी चले गए सब तो बाहर डॉक्टर ना तो बाड़ी में खाने था के ना एकाने ना बाड़ी चले गए सब सिस्टम डॉक्टर ना लगे परब तो बाड़ी अच्छा ये जो है वाइट वाइट होता है सब देखता है हां सब पूरा ठीक हो जाता है डोज देता है उसका डोज लेना है तीन तीन महीना डॉक्टर को था तो क्या से खाने আছে তোমার তামিলনাড়ু আছে চেন্নাই আর আছে এখন সবাই ঘর চলে গেছে হ্যাঁ রবিবার কালকে সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে আর সবাই আসবে কবে রবিবারে আগে রবিবার না কাল রবিবার না না কালকে গুড ফ্রাইডে কি वजह से छुट्टी है दो दिन तो हम लोग अब मंडे को आना पड़ेगा बता रहे हैं हॉस्पिटल में तो जानते हैं बहुत इनको नॉलेज है डॉक्टर हैं पहले से नहीं रे बाबा ये लेप्रोसी है वहाँ का फोटो आप डालिए ना लेप्रोसी में अब सब समझ जाएगा लेप्रोसी में सब आता है खाज खुजली ज्यादा इचिंग खिचिंग एक्जिमा एक्जिमा जिसका बरसों से ठीक नहीं हो रहा है इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका मिशन हॉस्पिटल की तरफ विदेश नहीं बताया पूरा अलग अलग देश से भी आता है यहाँ पे लेप्रोसी का ये देखिए पुरलिया लेप्रोसी होम एंड हॉस्पिटल बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में है पुरलिया में है और इधर देखिए मामा श्री बता रहे हैं कुछ जिसका बरसों से डिजीज स्किन प्रॉब्लम है खाज खुजली एक्जिमा बड़ा बड़ा खुजली स्किन डिजीज जिसका शरीर में वाइट हो गया वाइट दाग हो गया बहुत वाइट बंद है आज चलो चलो लेफ्ट मंडे को आना होगा चलो बैठो गाइस जो काम से आए थे वो काम नहीं हुआ और हम लोग वापस घर जा रहे हैं और सबसे पहले तो खाना वाना खाएंगे कहीं होटल में गाइस यहाँ विटिलिगो का ट्रीटमेंट होता है स्किन डिजीज है वाइट दाग तो 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 सादा टाचर ओटाई देखाबार छे तो खाली अनेक लोग कैसे से भालो है छलो अच्छा खाली ओषध के दे इंग्लिश ना कोनो जड़ी बूटी दे खाली ओषध ना ना एटा सब एलोपैथिक 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 मतलब इंग्लिश एक महीना हम यहाँ रह जाएंगे बंगाल में तो पक्का बता रहे बंगाली सीख जाएंगे सो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं देखिए रिटर्न काम तो हुआ नहीं मम्मी पूरा टेंशन में है भूख लग रहा है कोई अच्छा सा होटल देखिए ठीक है गाइस आ गए होटल रेस्टोरेंट पांडे भूख लग गया देखिए गाइस ये रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं ढाबा टाइप में ये वाला क्या पुआल पुआल लगा हुआ है कुआं भी नेचुरल मम्मी बता रही है होटल कैसा है मम्मी बहुत मस्त ना ये देखिए पुआल लगा हुआ है खुद से किया हुआ होगा मस्त है लेकिन क्या
देखिए गाइस प्लेट के ऊपर में पत्तल है, कैसे लाता पत्तल में देख लीजिए। सिंपल खाना ऑर्डर किए हुए हम लोग, और उधर से माछी माछ भात का फिश। देखिए गाइस भुजिया पापड़ चावल आलू गोभी का सब्जी, और इधर चटनी दाल और विद चटनी। खाना बहुत ही मस्त है, टेस्टी। क्या मामा अच्छा। मामी कैसा लग रहा खाना? अच्छा अच्छा। चलो सो गाइस हम लोग का लंच हो गया है और बहुत ही अच्छा खाना था, और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। इस इधर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ देखिए रैली निकाला गया है, शाम में फंस गए हैं। आप लोग को विजय रिया ब्लॉग्स को अगर मिलेंगे तो उन लोग से आप लोग को मिलवाएंगे अभी। सो गाइस विजय रिया ब्लॉग्स का घर देखिए, सपनों का घर, विजय रिया का सपनों का घर लाइव हो। चल वहीं ले जाएंगे, वहाँ चलिए। सो गाइस विजय रिया का घर आ गए हम लोग, दिखाते हैं आप लोग को। इधर मामा जी हैं, विजय रिया का कार। सो गाइस देखिए विजय रिया का घर, सपनों का घर बन रहा है। इधर देखिए विजय भैया इधर है, रामगढ़ से हम अच्छा है ना, आप हम लोग बहुत देखते हैं वीडियो। हम लोग सोच रहे थे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। चैनल क्या है बेटा तेरा चैनल? येलो बेबी इनका है, मेरा भतीजा हुआ। लोग सुनाते हाँ, तो हम लोग बना रहे हैं 2018 ही से, बनाते रेगुलर नहीं बना रहे। रेगुलर बनाइए, हाँ। रेगुलर भी बना रहे फिलहाल कुछ तो दिन। बहुत आपका नाम सुने, आपसे मिले, बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमको। हम लोग जाने ही की टाइम में ये बताए, आप लोगों के पास सारा साधन है जी, इतना अच्छा फोन है। अरे बनाते हैं लेकिन क्या बोलूं, और भी काम रहता है ना। हम लोग कुछ काम से गए हुए थे पुरलिया, तो आने के वक्त हम लोग इच्छा था कि भाई उनसे मिलेंगे भाई। जब ऐसा जाने का टाइम आपका घर बंद देखे थे हम लोग, इसी रोड से निकल गए थे हम लोग, डॉक्टर के पास थोड़ा गए। अच्छा अच्छा, तबीयत सेहत में गड़बड़ी? नहीं नहीं, मेरा गड़बड़ी नहीं, मैं ठीक हूं। और मिसेज जो है उनका अच्छा, आपका मकान वो है ना? हाँ रहते हैं उसमें, तो अभी ये बना रहे हैं, ये वाला ये घर आप बना रहे हैं ना? हाँ ये बना रहे हैं। चलिए आपसे मिलके एकदम फिर से एक बार बोलते हैं आपको, और मेरा भतीजा से मिलिए, ये भी बहुत कुछ करना चाहता है, इसको आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बोलिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार अगर आए इस चैनल में, तो आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग भैया को सपोर्ट करिए। एंड ये तो जैसे कि बता रहे हैं 2018 से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर नहीं है, काहे नहीं मिलेगा। हो मेरा तो आज 1.5 साल भी नहीं हुआ है यूट्यूब में, तो 2022 से हम कर रहे हैं, वो जनवरी से 15 जनवरी 2022 से हम स्टार्ट किए हैं। अब जोड़ सकते हैं कितना दिन हुआ, तो 23 है ये। पहाड़ है कहाँ पे है आप लोग, कहाँ रहते हैं नहीं रहते? हम लोग रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पहाड़ था रामगढ़ जिला का। नहीं नहीं आप लोग प्राकृतिक में रहते, बहुत अच्छा रहता है, हम लोग उधर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हो गया है, तो विशेष आप लोग रामगढ़ के रहने वाले हैं। प्रॉपर हम लोग रामगढ़ से हैं, कभी आइए आप हमारा रामगढ़ तरफ आइए। हाँ जरूर, मेरे भी वहाँ रिलेटिव है, मेरे तो मेन मतलब रामगढ़ में ही है। कहाँ रामगढ़ में आपको? ये वो जो हॉल है वो कौन सा हॉल है? राजू राजू वहाँ राजू हॉल है, और न्यू सिनेमा हॉल है, शांति हॉल है, मतलब उधर से रामगढ़ कॉलेज से थोड़ा सा पहले है। आपका राजू जो हॉल हुआ ना, उसे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और लेफ्ट साइड। हाँ पतरा तो बस्ती है, नाम नदी का फोटो डाले थे, वो नदी किधर का है? यहाँ से दूर होगा 1 किलोमीटर। दोस्तों विजय रिया का सपनों का घर देख सकते हैं, विजय जी यहाँ पे हम लोग के, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा विजय रिया जी का सपनों का घर। आइए, और कितना दिन लगेगा? बस प्रोसेस तो है, काम तो चल रहा है। और कुछ आप लोग का ये हो गया था आप लोग का लड़ाई बड़ा? हाँ यार यही रास्ता को लेकर हुआ कि नहीं? नहीं सुन मतलब आने जाने तक का मिलेगा पैसा। उन लोग तो बोलेगा कि जाओ सीए से, ये क्या बोले थे वो सीओ या सीए बोले कि वहाँ से करो, उन लोग को कोई मतलब नहीं। ये सब डिपार्टमेंट सीओ बहुत ही सुंदर बना रहे, लेकिन अपना घर बहुत ही अच्छा गाँव घर का, बस सही बात है। गांव के हिसाब से मतलब कि हाँ बढ़िया है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होना चाहिए जो कि है आप लोग के यहाँ पे, क्योंकि कॉमन अभी वास्तु को बना ही दें।
अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं लेकिन चलता ही नहीं, पता नहीं चलेगा चलेगा, बनाइए ना रेगुलर रही ना चलेगा। तो विजय जी बता रहे हैं कि रेगुलर वीडियो बनाना है। हाँ, और इनसे इंस्पायर हुए हैं बहुत, मतलब कि आपका जो वीडियोस देख देख के हम लोग से कहाँ पहुँच गए। सभी लोग को यही कहते हैं कि एक बार अपना किस्मत को आजमाना चाहिए। और बात रही यूट्यूब, एक किस्मत है, सही बात। और देखा देखी में भी मतलब पूरे यूट्यूब में ही नहीं डूब जाना है, उसी की वजह से हम रेगुलर नहीं रह पाते। सच बता रहे हैं कि यूट्यूब ही नहीं और भी सारा काम रहता है जिसके वजह से। मैं नहीं है, देखिए मेरे घर डेली बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे स्टूडेंट भी आते हैं, तो उनको भी मैं ही समझाते हैं कि मेरा हो सके किस्मत नहीं था। सही बात है, किसका किस्मत में क्या है वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है। आज 2022 का देखा जाए तो झारखंड का टॉप में मेरा चल आया था। सही बात, 2022 में अभी भी मतलब ठीक ठाक है, किस्मत है ये। वही नेक्सन लिया। हां जी, गाड़ी भी मस्त है आपका, एकदम पूरा अच्छा चॉइस किया है विजय जी। देखिए नेक्सन, नेक्सन रांची स्टेशन है आपका। हां, रांची में वहाँ से लिए थे आप लोग, रामू जहाँ आप लोग इलाज कराए थे जो पैथोलॉजी वाला। हाँ हाँ, साइड में देखे थे आपका ब्लॉग, देखते हैं रेगुलर देखते रहते हैं आपका ब्लॉग। वासुदेव की क्या नाम है? हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, मिल के अच्छा लगा। सो गाइस, विजय रिया से मिल के बहुत ही अच्छा लगा। चाचा कैसा लगा आपको, कैसा इंसान लगा वो लड़का? तो ठीक है, मिलने से जैसा चाचा तो ऐसा देखते नहीं ब्लॉग, लेकिन मिल के कैसा लगा आपको बताइए। अभी क्या है, डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा लगा। देखते हैं क्या है ये, अभी हम जाके मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं इसे सुनने में इनका बहुत मजा आया। मामू कैसा लगा आपको मिल के? ठीक है, बढ़िया है। वो तो आपका ड्रिंक था कि मिले हम, नहीं बहुत दिन से सोच रहे थे मिलेंगे मिलेंगे, इसलिए हम भी सोचे मिल लेते हैं भाई। ठीक है भैया, बिहेवियर ठीक था, बहुत ही अच्छा बिहेवियर। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं और आई होप आज का व्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, बाय बाय चाचा।